दोस्तों, आज से पहले आपने दुनिया में मौजूद एक ऐसी लार्जेस्ट और फॉरगेटेड कम्युनिटी के बारे में शायद ही सुना होगा, जो दुनिया भर में रोमानी और जिप्सीज के बारे में प्रसिद्ध है, जिनकी जनसंख्या यूरोपियन देशों में लाखों करोड़ों में है। दुनिया भर में जिप्सीज के बारे में बहुत सी ऐसी सच्ची कहानियां हैं जो यूरोपियन देशों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। जिप्सीज हिंदुओं ने इस्लामिक धर्म के कारण भारत को आज से लगभग 1000 साल पहले ही छोड़ दिया था, और आज इनके वंशज यूरोप से लेके अमेरिका तक फैले हुए हैं। वो कौन से जिप्सी हिंदू है जो माता काली की पूजा चुपके से करते हैं? आखिर क्यों इन्होंने आज से लगभग 1000 साल पहले भारत को छोड़ दिया था? आज ये कौन कौन से देश में रहते हैं, और इनका कल्चर राजस्थान के बंजारों से इतना ज़्यादा क्यों मिलता है, और आज भी ये लोग अपना नाम हिंदू भगवानों पर रखते क्यों हैं? आइए इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनातनी टेल्स में। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इनको रोमानी जिप्सी क्यों कहा जाता है। जब 11वीं शताब्दी में ये हिंदू भारत को छोड़कर यूरोप में आए, तब यूरोपियन ने इनको गलती से इजिप्शियन समझ लिया था, यानी कि इजिप्ट से आए हुए लोग। तब से इनको इजिप्शियन कहा जाने लगा। इन लोगों को रोमानी कहे जाने के पीछे एक लंबी कहानी है, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। दोस्तों, आज दुनिया के कई देशों में लगभग 20 मिलियन से ज़्यादा रोमानी जिप्सीज मौजूद है, जो खुद को भारतीय हिंदू के वंशज मानते हैं, और इनमें से सबसे ज़्यादा इजिप्सीज यूरोपीय देशों में रहते हैं, जैसे कि बुल्गारिया, रोमेनिया, हंगरी, यूक्रेन, स्लोवेनिया और फ्रांस में। भारत से यूरोप पहुँचने की हिस्ट्री को स्कॉलर्स और हिस्टोरियन ने 3 कहानियों में एक्सप्लेन किया है। इनमें से पहली और पॉपुलर कहानी ये है, जब 11वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी के भारत पर लगातार अटैक्स के कारण नॉर्थ वेस्ट इंडिया के सैकड़ों हजारों हिंदुओं ने भारत को छोड़ना स्टार्ट कर दिया था। इन्हीं हिंदुओं में हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान के डोम, गुज्जर, चौहान और दांगड़ थे। इनमें से ज़्यादातर हिंदू राजस्थान के बंजारे ही थे। मोहम्मद गजनवी के होने वाले लगातार अटैक से बचने के लिए भारत छोड़ा था, ताकि इन्हें यूरोपियन देशों में शांति और रोजगार के अवसर मिल सके। दोस्तों, यूरोपियन देशों में इनके साथ उल्टा हुआ, क्योंकि यूरोपियन लोग इन हिंदुओं के डार्क ब्राउन स्किन, ब्लैक हेयर और सनातनी पारंपरिक कपड़ों से नफरत करते थे। तब इन हिंदुओं के साथ यूरोपियन देशों में इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ, जिसके कारण इन्हें मजबूरन अपने हिंदू धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी और इस्लाम धर्म को अपनाना पड़ा। परंतु दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से बहुत सारे हिंदुओं ने इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म को अपनाने के बाद भी सनातन और हिंदू परंपरा को जिंदा रखा। इसलिए आज भी रोमानी जिप्सीज में राजस्थान और गुजरात के बंजारों का कल्चर साफ साफ दिखाई देता है, यानी कि ये इजिप्सीज भी वैसे ही नाचते गाते हैं जैसे राजस्थान और गुजरात के बंजारे ग्रुप्स में नाचते और गाते हैं। दोस्तों, अगर आपको इन सारी चीज़ों पर विश्वास करना मुश्किल है तो हम आपको बता दें कि जब रोमानी जिप्सीज ने यूरोपियन लोगों द्वारा किए गए अत्याचारों के कारण सनातन को छोड़कर इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म को अपनाया था, तब इन्होंने सनातन धर्म के बहुत सारे रीति रिवाजों को यूरोपियन से छुपाकर फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे फ्रांस में ये लोग अब भी माता काली की पूजा करते हैं। वहाँ पर ये लोग माता काली को साराला काली के नाम से पुकारते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि देवी साराला काली का पूरा नाम सरस्वती, लक्ष्मी और काली है, क्योंकि हजारों सालों से रोमानी लोग इन तीनों शक्तियों को साराला काली के रूप में पूजते आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे भारत में दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन किया जाता है, सेम वैसे ही फ्रांस के लोग, फ्रांस के रोमानी जिप्सीज देवी साराला काली की पूजा करने के बाद देवी की मूर्ति को एक नदी में डुबकी लगवाकर दोबारा से मंदिर में स्थापित करवाते हैं। यहाँ से आप अब ये सोच सकते हो कि इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म में ऐसी कोई भी देवी का उल्लेख नहीं है जो साराला काली के नाम से जानी जाती हो। इसलिए इसका मतलब यही बनता है कि रोमानी जिप्सीज अपने पूर्वज हिंदुओं के रीति रिवाजों को यूरोपियन देशों में आज भी जिंदा रखे हुए है। दोस्तों, यूरोपियन देशों में रोमानी जिप्सीज द्वारा हिंदू संस्कृति को आज भी जिंदा रखने के लिए भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इंटरनेशनल रोमा कॉन्फ्रेंस एंड कल्चर फेस्टिवल में गर्व से कहा था कि रोमा जिप्सीज के इंडियन ओरिजिन होने पर हमें गर्व है, जो हजारों सालों से हमारी भारतीय संस्कृति को फॉलो करते आ रहे हैं। इसलिए भारत हमेशा रोमानी जिप्सीज का स्वागत करता है। और अगर बात की जाए रोमानी भाषा की,
तो रोमानी भाषा संस्कृत और हिंदी भाषा से काफ़ी हद तक मिलती जुलती भाषा है। और दोस्तों, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि यहाँ के लोग लगभग हिंदू भगवानों के नाम पर ही अपना नाम रखते हैं। एक इंडियन ब्लॉगर के वीडियो में, जो आज से लगभग 2 साल पहले इंडियन जिप्सीज से मिला था, इनसे मिलकर ये भी पूरी तरह से हैरान रह गया था। दोस्तों, ये यूक्रेनियन जिप्सीज से मिलकर इसको पता चला कि आज भी यूक्रेनियन जिप्सीज अपने जन्म का नाम हिंदू ही रखते हैं, जैसे गिरधर, गोपाल, दिनेश, कृष्णा, मीरा आदि। हिस्टोरियंस मानते हैं कि हिटलर की दादी ने 5 लाख से भी ज़्यादा रोमानियों का कत्लेआम किया था और लाखों पर मेंटल एक्सपेरिमेंट भी किए थे, जिनको लोग दुनिया में जानते ही नहीं हैं। कत्लेआम की कहानी इतनी लंबी है कि एक पूरी मूवी बनाई जा सकती है। दोस्तों, अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों परिवारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।